गर्भावस्था के दौरान सेक्स कैसे करें, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर और मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या होता है कि यंग लड़का लड़की शादी हो जाते हैं, शादी में पहले दिन तो कुछ अच्छे चले जाते हैं, नरम गरम गुलाबी दिन, और बाद में एक दिन मालूम पड़ता है कि स्वीट न्यूज़, गुड न्यूज़ आ गई और वाइफ प्रेग्नेंट है। अब प्रेगनेंसी पहली प्रेगनेंसी है और उसके बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार, फिर पहले बच्चा हो रहा है, फैमिली में बहुत साल के बाद में बच्चा पैदा हो रहा है, तो फिर इधर वो तो बहुत खुश हो जाती है औरत कि चलो अभी माँ बनने वाली है, गुड न्यूज़ है, टेस्ट कर लिया है, डॉक्टर ने बोल दिया कि यस प्रेगनेंसी है। मगर इधर हस्बैंड जो है वो ज़रा उदास हो जाता है एक तरह से कि भाई अभी सेक्स का क्या, क्योंकि उसको लगता है कि सेक्स करना चाहिए। जैसा मैंने पिछले कई वीडियो में बताया कि औरतों को क्वालिटी सेक्स चाहिए, तो हस्बैंड को मतलब पुरुषों को ज़्यादा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में सेक्स चाहिए रहता है। तो उसको लगता है कि अभी बच्चा तो होने वाला है, बाप बनने वाला है, अच्छी खबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अभी सेक्स का क्या। तो पहले 3 महीने तो डॉक्टर बोलते हैं, मतलब ऐसा रिकमेंडेड है कि पहले 3 महीने तो सेक्स करो ही मत, टालना चाहिए, बंद करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो ये 3 महीने में आते हैं, वो कैसे आपको बताता हूँ। 3 महीने सेक्स नहीं बोला तो इसको लगता है कि देखो सेक्स नहीं है, तो फिर इसको एक तो मास्टरबेशन करना चाहिए, पुरुष को हस्तमैथुन करना चाहिए और अपना जो सेक्स एनर्जी जो है वो चैनलाइज करना चाहिए। और नहीं तो फिर होता क्या है कि चुप बैठा जाता नहीं है और फिर विवाह भय संबंध होने का ये बहुत बड़ा ज़्यादा डेंजरस पीरियड है। पहले 3 महीने लेट घर में आना, बाहर कहीं संबंध हो जाना, वो ज़्यादा चांसेस ये 3 महीने में होते हैं। फिर दूसरे जो है 3 से 6 महीने, तो उसमें फिर सेक्स कर सकते हैं, उसमें इतना ज़्यादा धोखा बच्चे को या गर्भ को होने के चांसेस बहुत कम है 3 से 6 महीने में। फिर उस समय 4, 5 और 6वां महीना सेक्स कर सकते हैं, और फिर 7वां, 8वां और 9वां महीना फिर सेक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो प्रेशर आ सकता है या कोई मतलब कोई जोखिम उठाना अच्छा नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि कभी कभी अबॉर्शन होने के चांसेस है, बच्चों को कुछ मतलब मार लगने के चांसेस है, पेट के ऊपर कभी ज़्यादा कुछ मार लग गया या वजन आ गया, तो इसलिए आखिरी के जो 7, 8 और 9 महीने सेक्स प्रोहिबिटेड है या सेक्स करने के लिए डॉक्टर मना करते हैं। करना ही है तो फिर औरत ने ऊपर से आना चाहिए, आदमी नीचे होना चाहिए, मतलब फीमेल सुपीरियर पोजिशन, उसमें भी तकलीफ होती है और सेक्स नहीं किया तो ही अच्छा है। तो अभी फिर ये इसमें करना क्या है, इसमें हस्बैंड ने मास्टरबेशन करना बहुत ही इसेंशियल है, क्योंकि उससे रहा नहीं जाएगा और बाहर जाने से कभी भी ये अच्छा है। तभी भी आप फोर प्ले कर सकते हैं, ओरल सेक्स कर सकते हैं और एक दूसरे की जो भूख है वो भूख मिटा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि औरत को ये डर लगता है कि अभी सेक्स नहीं है, मेरा शेप बिगड़ रहा है, हस्बैंड अभी अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो उसको एक इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है कि क्या इसका प्यार तो नहीं कम हो गया, क्या और कहीं जाएंगा नहीं। उसमें और एक जो ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस जो हमको एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देते, वो ये है कि डिलीवरी होने के बाद में जब वो अपने समाज में ऐसा है कि पहली डिलीवरी जो है अपने माँ बाप की तरफ होना जरूरी है, वो जाती है माँ बाप की तरफ, और वो जब आती है तो घर में सपोर्ट करने के लिए उसकी सिस्टर आ जाती है। अब देखिए, ये बच्चा है, 15 दिन का है, 1 महीने का बच्चा है, अभी भी सेक्स अलाउड नहीं है, सेक्स में उसको इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि रात को जागना है, बच्चा कभी भी उठता है, दूध पिलाने का है, तो अभी भी सेक्स नहीं हो रहा है। ऐसे इसमें यदि उसकी सिस्टर या कोई भी लेडी आती है सपोर्ट करने के लिए, तो चांसेस हमारे यहाँ तो ऐसा मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई दिया कि उसके चांसेस बन जाते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप घर के घर में, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट्स बहुत ही आसान है, मालूम भी नहीं पड़ता है, और कि भाई एक दूसरे के प्यार में हो जाते हैं। मुझे तो अभी एक रिसेंटली एक केस ऐसा आ गया कि वो उसकी सगी सिस्टर, 2 साल छोटी सिस्टर, डिलीवरी के बाद में सपोर्ट करने के लिए आई, और फिर दोनों मतलब इसका हस्बैंड ये सिस्टर जो है वो आपसे प्यार में इतने हो गए कि अभी वो खुला हो गया, सबके लिए ओपन हो गया, और अभी इतना हो गया कि नहीं भाई तू चली जा अभी वाइफ को, और उसके सगी सिस्टर के साथ में अभी वो शादी करना चाहता है। अब देखो दोनों सगी सिस्टर है, और अभी करना क्या है, माँ बाप ने करना क्या है, आखिर ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि चलो दोनों भी सिस्टर एक साथ में रहेंगी, कि दोनों का इतना प्यार उसकी सिस्टर का, इसका हस्बैंड का, कि वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, उसकी सिस्टर छोड़ने को तैयार नहीं है, ये उसको छोड़ने को तैयार नहीं है, बोलते नहीं हमको तो शादी करना है। तो चलो भाई अभी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, बड़े लोग घर में बैठे, और बाद में ऐसा हो गया कि दोनों सिस्टर एक साथ में रहेंगी और दोनों भी
यहाँ रह के उसके साथ में अपना वैवाहिक जीवन बिताएगी। तो वो भी एक पीरियड ऐसा रहता है कि जिसमें प्यार होते रहता है, क्योंकि एब्सटेनिंग होता है, सेक्स होता नहीं है। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि गर्भावस्था में पहले 3 महीने छोड़ दिए, आखिरी के 3 महीने छोड़ दिए, तो बीच में सेक्स करना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिलीवरी के तुरंत बाद यदि सिजेरियन सेक्शन नहीं हुआ है, मतलब ऑपरेशन करके बच्चा नहीं हुआ है, तो कुछ 15 दिन 20 दिन महीने भर के बाद में सेक्स कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि कोई टाके नहीं पड़े तो। और नहीं तो फिर कम से कम फोर प्ले कर सकते हैं, मास्टरबेशन कर सकते हैं एक दूसरे का। औरत फोर प्ले करके हस्बैंड का समाधान कर सकती है, नहीं तो मास्टरबेशन कर सकते हैं एक दूसरे का, और नहीं तो फिर एक दूसरे को एंटरटेन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो जाए कि भाई सेक्स नहीं मिल रहा है और फिर सेक्स बाहर ढूंढने का आदमी कोशिश नहीं करेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।